ये बनाते हैं पनीर का एक टिक्का, कसूरी पनीर टिक्का। पनीर इससे टिक्के बनाते हैं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस काट लेते हैं। पनीर हमने काट लिया, अब इसका एक मैरिनेट तैयार कर लेते हैं ताकि इसमें क्या क्या टेस्ट दिया जाए। ये दही थोड़ी गाढ़ी, अब इसमें ये थोड़ी चटनी, ये जो है नॉर्मल हरी चटनी जो बनाते हैं, चाहे धनिया वाली बनाएं या पुदीने वाली बनाएं, वो इसके अंदर। इसके साथ ग्रीन चिली पेस्ट और अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, हल्दी, ये अजवाइन इसके अंदर, और गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और कसूरी मेथी, उसको तो भूल नहीं सकते, और ये है रोस्टेड चना दाल, थोड़ी क्रीम। अब इसको आप मिक्स करें, तब तक मैं बाकी तैयारी करता हूँ कि ये जो ग्रिल है इसको पूरा मैंने गरम कर लिया है। तो ये पनीर के टिक्के, तो अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा मैरिनेड में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तो अब ये सरसों का तेल इसमें डाल के करीब 15-20 मिनट तक रखना है। और उसके बाद कैप्सिकम, कैप्सिकम लगाने से एक फ़ायदा, एक तो जो पनीर है थोड़ा इधर उधर नहीं जाता है। अब इसको पकाने के लिए तेल डाल लेते हैं इस ग्रिल के ऊपर। ये वाह, अब ये जो है इसे इसी तरह से पकने देना है और टर्न करेंगे। क्या लगता है, पका या नहीं पका? लग रहा है पक गया। पक गया। और इसके ऊपर चाट मसाला, थोड़ा चाट मसाला, नींबू मार के तैयार है। खा के देखा जाए कि ये जो पनीर के टिक्के हैं, कसूरी पनीर के टिक्के, बहुत मजेदार बने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कसूरी पनीर टिक्का के लिए 250 ग्राम पनीर के पीसेस क्यूब्स में कटे हुए, 2 शिमला मिर्च क्यूब्स में कटे हुए, 1/4 कप दही जिसमें से पानी निकला हो, 2 बड़े चम्मच हरी चटनी, 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी भुनी हुई और पिसी हुई, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई चना दाल का पाउडर, 1/4 कप फ्रेश क्रीम, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच चिली सॉस। इसके लिए एक बोल में दही, हरी चटनी, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, भुनी हुई कसूरी मेथी, भुनी हुई चना दाल पाउडर और क्रीम डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें पनीर के पीसेस को डालकर इसे मिला लें और इसके साथ इसमें सरसों का तेल डालकर मिलाएं और इसे करीब 15 मिनट तक रख दें। और अब रखने के स्क्यूअर्स में शिमला मिर्च और पनीर के पीसेस को लगाएं और गरम ग्रिल या तवे पर तेल लगाकर इन पीसेस को रखें और इसे सब तरफ से पका लें। अब इन्हें एक प्लेट में निकालकर इसके ऊपर चाट मसाला पाउडर, नींबू का रस और चाहें तो थोड़ी सी चिली सॉस डालकर गर्मा गर्म सर्व करें।